चलिए चिरंजीवी एक्सप्रेस खुल गया है राजगीर से एकदम भैया ऑन टाइम पे खुला, 8:05 में खुला ये ट्रेन। और देख लीजिए भाई ये ट्रेन निकल चुका है, चलिए भैया खुल चुका है। और देख लीजिए भैया भीड़ राजगीर में सुपर फास्ट ट्रेन का, चिरंजीवी एक्सप्रेस का, जो कि राजगीर से खुलता और दिल्ली के लिए ट्रेन जाता है। और देख लीजिए यहाँ पे वाराणसी राजगीर ब्लू लाइन पे, और ये ट्रेन जो है कि 22 घंटा लमसम दिल्ली पहुँचाता है यह ट्रेन चिरंजीवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अगर ट्रेन में पसंद है तो आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप लोग राजगीर से दिल्ली जाना चाहते हैं तो चिरंजीवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस से आसानी से आप लोग जा सकते हैं। और देख लीजिए ट्रैक बदल रहा है चिरंजीवी एक्सप्रेस, यहाँ पे रेलवे ट्रैक बदल दिया है और ट्रैक पर अब चलेगा। और यहाँ पे एक ट्रेन भी लगा हुआ है और राजगीर से काफ़ी आगू निकल चुका है चिरंजीवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और भीड़ देख लीजिए भैया इतना ख़तरनाक भीड़ है ना, यहाँ पे देख लीजिए कितना पैसेंजर लोग यहाँ पे लटक कर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इंडियन गैस 13 लगा हुआ और बारिश काफ़ी ज़्यादा हुआ है राजगीर में, आपको दिख रहा होगा पानी, देख लीजिए कितना ज़्यादा बारिश हुआ है यहाँ पे। और चिरंजीवी एक्सप्रेस कर्व ले रहा है यहाँ पे देख लीजिए। चलिए राजगीर से खुल चुका है लेकिन हम लोग का सफ़र रहेगा और ये जाएगा दिल्ली, तो हम लोग पटना जंक्शन तक दाइंड करेंगे सफ़र को। और देख लीजिए शानदार नज़ारा आपको राजगीर का लग रहा होगा, ऊंचा ऊंचा इमारत और बिल्डिंग नज़र आ रहा होगा। और ये देख लीजिए रेलवे लाइन जो अधिकांश इसमें मालगाड़ी लगा रहा था, और ये ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग इमारत चल गया है, बिहार शरीफ चल गया आपको दिख रहा होगा। और सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जो राइड टाइम रहता है ना जो 22 घंटा लमसम लेता है और ये दिल्ली पहुँचाता है 20 से 22 घंटा। तो चलिए ब्लॉग को दाइंड कर देते हैं फिर, धन्यवाद भैया। सुपर फास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे देख लीजिए 4 लाइन भी बन रहा है, इसका पुल काफ़ी ज़्यादा निर्माण हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे रेलवे फाटक देखिए अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम बचा हुआ है 4 लाइन में। भाई साहब हरा भरा मौसम भी लग रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम आज है। और जिस पिकअप के लिए जाना जाता है भाई उस पिकअप अपना चिरंजीवी सुपर फास्ट से डर लिया। और यहाँ पे देख लीजिए पानी, चलिए अगर ट्रेन से आप लोग सफ़र करते हैं तो इस तरह का नज़ारा तो आप लोग देखते हैं। और देख लीजिए धान की खेती काफ़ी ज़्यादा हरा भरा लग रहा है यहाँ पे इस साइड, यानी कि नालंदा ज़िला में धान का खेती के लिए काफ़ी विख्यात भी जाना जाता है। चलिए धन्यवाद, हम लोग सिलाव आ चुके हैं चिरंजीवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस से, देख लीजिए सिलाव होल्ड कितना ज़्यादा बारिश इस साइड हुआ है ना आपको दिख रहा होगा। और सिलाव के यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है देख लीजिए, सिलाव होल्ड आ चुके हैं हम लोग, आगू निकल गए। और बारिश काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस साइड आपको दिख रहा होगा।